हेलो स्टूडेंट, आज का जो मेरा सेशन है बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन है, हाउ टू हैंडल एग्जामिनेशन प्रेशर, या हम कैसे अपने एग्जाम्स स्ट्रेस को बीट कर सकते हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आप सभी लोग, अब बहुत सारे स्टूडेंट जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, क्लासरूम में भी ये कॉमन प्रॉब्लम होती है कि कई बार हमें सब कुछ आता है, उसके बाद भी हम एग्ज़ाम में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। अभी बोर्ड के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, 10th 12th के। इसके अलावा अभी आप IIT का एग्ज़ाम फिर से देंगे, या नीट का एग्ज़ाम देंगे, MC का एग्ज़ाम देंगे, डिफरेंट एग्ज़ाम देते हैं। यानी एक जनरल सब्जेक्ट पर ये सेशन है। तो हम कैसे अपने एग्जामिनेशन प्रेशर को हैंडल करें, या कैसे हम अपने स्ट्रेस को रिलीव करें, ये कुछ मैं इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूँ आपको। डेफिनेटली अगर आपने इस पर वर्क किया तो आप एग्जामिनेशन प्रेशर को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि कुछ बातें लॉजिकल तरीके से समझनी होगी। क्यों प्रॉब्लम्स होती है हमको, क्यों कई बार एग्ज़ाम में हमें सब कुछ आते हुए भी हम नहीं कर पाते, क्योंकि एक्चुअल में ये प्रॉब्लम कुछ थोड़ी डिफरेंट है, समझिएगा। ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। एक्चुअल में कई बार हमें सब कुछ आता है, ऐसा भी कई बच्चों के IIT के एग्ज़ाम्स के बाद भी मुझे बताया कि सर सब कुछ आता था पर पता नहीं क्यों नहीं कर पाए, ज़्यादा लिखते गए, स्टेप्स लिखते गए, टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ प्रॉपरली, ऐसी कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स होती है। या एग्ज़ाम्स के पहले अच्छे से नींद नहीं हुई पूरी, कई बार हम बीमार हो जाते हैं, ऐसी बहुत डिफरेंट एरियाज में प्रॉब्लम आती है। तो इनको हम कैसे हैंडल करें, मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि सेशन के बाद अगर आपने जो मैंने टिप्स दिए उनको फॉलो किया तो आप बहुत हद तक एग्जामिनेशन प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं। नंबर वन थिंग कि आपको थोड़ा सा साइकोलॉजिकली और साइंटिफिकली समझना पड़ेगा कि जो कुछ हम अपने ब्रेन को इन्फॉर्मेशन देते हैं, ब्रेन उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है। हम कई बार ये अंदर ही अंदर सोचते हैं सब कुछ पढ़ने के बाद भी, कहीं मैं भूल तो नहीं गया, तो एक्चुअल में ब्रेन उसको याद रखने की जगह भूलने की कोशिश करता है। तो आपको अपने ब्रेन को बहुत ही स्ट्रांग बनाना है। वो कैसे बनाया जाएगा, कैसे हम साइकोलॉजिकली स्ट्रांग बने, वो कुछ बातें हैं जो समझनी होगी। नंबर वन थिंग कि हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहले तो याद रखिए कि आपके एक्सपेक्टेशन हमेशा अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर आपने प्रिपरेशन 50% की है तो आपका एक्सपेक्टेशन 50 और लेस देन 50% होना चाहिए। 80 की किए तो 80 और लेस देन 80 होना चाहिए। 100 की किए तो 100 और लेस देन 100 होना चाहिए। आप 50% प्रिपरेशन करके 100% का एक्सपेक्टेशन करेंगे तो कहीं से भी कहीं जस्टिफाई नहीं होता। और ये भी कई बार प्रेशर का कारण होता है कि हमने पूरा सिलेबस किया नहीं, अब एग्जाम आ गया, अब क्या होगा। इस प्रेशर में जो आता है वो भी हम भूल जाते हैं। तो पहले तो रियलिस्टिक और ऑनेस्ट होने की जरूरत है। दूसरा, साइकोलॉजिकली समझना होगा कि आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा जिस पर आप सोचिएगा। आप में से ऑलमोस्ट सभी लोग व्हीकल चलाते होंगे, टू व्हीलर, या हो सकता है मोटर बाइक हो आपके पास, कोई टू व्हीलर हो सकता है कार हो, एनीथिंग। आप सोचिए कि जब आप रोड पर कार चलाते हैं तो आपकी एक छोटी सी मिस्टेक भी आपकी जान ले सकती है। यानी हम जब रोड पर गाड़ी चलाते हैं तो हम साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं, और जो लोग साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होते हैं वही गाड़ी चला पाते हैं। आप देखते हो कुछ लोग गाड़ी कभी भी नहीं सीख पाते या नहीं चला पाते, क्योंकि उनको डर लगता है कि सामने से कोई व्हीकल आ गया तो क्या करेंगे। अब ये साइकोलॉजिकली जिनके अंदर ये डर बैठा होता है वो कभी भी व्हीकल नहीं चला सकते। पर सोचिए कि अगर आप चलाते हैं तो आपके अंदर ये डर नहीं हो ना, आप इस बात से डरते हैं और आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ चलाते हैं, ओवरटेक भी करते हैं स्पीड से, लोग कब कैसे करना अकॉर्डिंग टू रोड कंडीशन डिसीजन लेते हैं। यानी आप जो रोड पे साइकोलॉजिकली स्ट्रांग हो वैसे ही आपको साइकोलॉजिकली एग्जाम में भी स्ट्रांग होना पड़ेगा। और याद रखिएगा, रोड पे की गई एक माइनर मिस्टेक भी आपकी आपके लिए बहुत डेंजरस हो सकती है, बट एग्जाम में की गई मिस्टेक से आपकी जान नहीं जाने वाली, आपका कुछ डैमेज नहीं होने वाला। यानी हम साइकोलॉजिकली सोचें या लॉजिकली सोचें तो हम एग्जामिनेशन हॉल में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं कंपेयर टू रोड। और जब रोड पे की गई मिस्टेक से आपको पता है क्या हो सकता है, तो एग्जाम में की गई मिस्टेक से क्या होगा ये भी आपको पता है। तो आपकी एग्जामिनेशन हॉल में आपके पास ज़्यादा ऑप्शन है साइकोलॉजिकली स्ट्रांग रहने के, क्योंकि आपका कुछ डैमेज नहीं होने वाला डायरेक्टली। इन टर्म ऑफ रिजल्ट हो सकता है, पर वो भी इसलिए होगा क्योंकि अगर आपने निगेटिव इन्फॉर्मेशन दी ब्रेन को। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि जब हम ब्रेन को किस ढंग का हम टॉनिक दे रहे हैं, इसके ऊपर बहुत चीज़ें डिपेंड करती है। पूरा सेशन में आपको, क्योंकि मैंने खुद रियलिस्टिक अपनी लाइफ में देखा है, अपने ढेरों स्टूडेंट के साथ मैंने ये चीज़ें अप्लाई की हैं और देखा है, जिन लोगों ने इन बातों को माना है, पॉजिटिवली माना है, उनके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं। तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, देखिएगा आपके अगर ब्रेन में अगर आप निगेटिव थाट्स रखते हैं तो ही ये प्रॉब्लम्स होती है। तो सबसे पहले हमें अपने थाट्स को पॉजिटिव करना है।
बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाना है और क्या क्या चीज़ें हैं जो फॉलो करनी। तो पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, अपने अंदर की निगेटिविटी को ख़त्म करना। जिस तरह से आप रोड पे कॉन्फिडेंस के साथ गाड़ी चलाते हैं, उससे कई ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ एग्जामिनेशन हॉल में जाना है, और साथ में इस बिलीफ सिस्टम के साथ कि जो आता है उतना ही मैं एक्सपेक्ट करूंगा और उतना ही मैं एग्जाम में करके आऊंगा। अगर ये एक की पॉइंट आपने ले लिया तो आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अब सेकंड थिंग, आप कभी देखिएगा, ये प्रैक्टिकली एग्जांपल कर लीजिएगा, साइंटिफिकली भी प्रूफ है ये बात, कि आप अगर निगेटिव थॉट्स रखते हैं और अगर आप रोज ही दिन रात निगेटिव सोचते हैं क्या होगा क्या होगा क्या होगा, ऐसे इसका एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि आप अपने पैरों को पानी में डालिए, आपके जो निगेटिव थॉट्स हैं वो पानी में भी कहीं ना कहीं आएंगे, और वो पानी आप किसी पौधे में डालिए, देखिएगा आप कुछ दिन बाद वो पौधा नहीं बचेगा। यानी एक ट्री के अंदर भी आपकी निगेटिविटी थॉट के वजह से वो पानी से वो पौधा जिंदा नहीं रह पाया। तो सोचिए, वही निगेटिविटी अगर हमारे बॉडी के अंदर होगी तो हम अंदर ही अंदर डैमेज कर रहे हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें प्रॉब्लम देती हैं। तो आपको पहले, सबसे पहले समझना है कि इन निगेटिविटी से बाहर निकलना है। एग्जामिनेशन प्रेशर इसलिए होता है क्योंकि हमारा रिविजन प्रोसेस या तो प्रॉपर नहीं है, या हम जो टेस्टिंग करते हैं अपनी उसमें हम अपने आप को रियलिस्टिक चेक नहीं करते, इसलिए प्रॉब्लम होती है। तो अब क्या करना होगा मैं बताऊंगा। सबसे पहले जो भी रिलेटेड एग्जाम दे रहे हैं, सपोज आप 12th बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, सपोज आप 10th बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, सपोज आप IIT का दे रहे हैं, सपोज आप नीट का दे रहे हैं, सपोज आप MCA का दे रहे हैं, व्हाटएवर, जो भी, या NDA का दे रहे हैं, जो भी रिलेटेड एग्जाम दे रहे हैं, उसके मॉक पेपर जो होते हैं या उसके जो एक्चुअल पेपर्स होते हैं उनको बहुत प्रॉपर सॉल्व करने का आपके पास पैटर्न होना चाहिए। अगर आप सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं तो आपका राइटिंग वर्क और प्रेजेंटेशन वर्क अच्छा होना चाहिए। अगर आप ऑब्जेक्टिव वर्क कर रहे हैं तो आपकी स्पीड बहुत अच्छी होना चाहिए। दूसरी, एक और कॉमन प्रॉब्लम होती है, हमें डर लगता है कि कहीं ये गलत ना हो जाए। ये डर ही आपको गलत कराता है। इनफैक्ट आप खाली रोड पर जाओगे और आप सोचोगे मैं टकरा ना जाऊँ, तो आप खाली रोड पर भी टकरा जाओगे। यानी यहाँ पर एक बात मेरे बिल्कुल क्लियर समझ में आती है कि हम जो ब्रेन को इन्फॉर्मेशन देते हैं, ब्रेन वैसा ही काम करता है। तो आज से सबसे पहले अपने ब्रेन को एक पॉजिटिव टॉनिक दीजिए। दूसरा, टॉप करेंगे कि नहीं, फर्स्ट रैंक आएगी कि नहीं, टॉप 10 में आएंगे कि नहीं, ये सब फालतू की चीज़ें दिमाग से निकाल दो। आप नॉलेज के लिए पढ़ना चालू करें। एक और कॉमन प्रॉब्लम जो आज मैं फेस करता हूँ, कई सारे बच्चे नंबरों के लिए पढ़ाई करते हैं। यानी ये कर लिया तो इतने नंबर आएंगे, ये कर लिया तो इतने नंबर आएंगे। नो, मैं बोलूँगा नॉलेज के लिए पढ़ो। नॉलेज के लिए पढ़ोगे तो नंबर भी आएंगे, नॉलेज भी बढ़ेगी। नंबरों के लिए पढ़ोगे तो ना नंबर आएंगे ना नॉलेज आएंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं, मेरा सब्जेक्ट मैथ्स है। अब मैं अगर बात करूँ 12th मैथ्स में फंक्शन का क्या रोल है, तो फंक्शन मतलब 80% मैथ्स है। 12th पॉइंट ऑफ व्यू से फंक्शन कुछ भी काम का नहीं है, पर पूरी मैथ्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने उसका बेस ही नहीं बनाया तो कहीं ना कहीं आप आगे की प्रॉब्लम में अटकेंगे। यानी आपके इंटरकनेक्शन बिटवीन टॉपिक्स स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी पॉजिटिव थियरीज पे कमांड होना चाहिए, फॉर्मूलेज पे अच्छा कमांड होना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें। तो आप जब पढ़ाई करें तो बहुत ही कंसेप्चुअल पढ़ाई करें, फाउंडेशन बना के करें। जैसे इस बार JEE का पेपर देखें, पिछली बार भी, जिसका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग था, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट थे गुरुकुल के ऑनलाइन के, जिन्होंने कोर्स से पढ़ा और बहुत बेस्ट स्कोर किया। NDA में बहुत अच्छा स्कोर हुआ, MCA में बहुत अच्छा हुआ। क्यों? क्योंकि फाउंडेशन के साथ पढ़ाई करके देने गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी आप अपने पढ़ाई के तरीके में कुछ एक पॉजिटिव चीज़ें लाई। दूसरा, कभी भी ये मत बोलिए कि गलत होगा कि नहीं। आप जो भी करेंगे वो राइट करेंगे, और फिर उसमें दो चार गलत हो जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 5 रॉन्ग हो गए, नो प्रॉब्लम, 45 राइट तो है। तो आपको साइकोलॉजिकली ये बातें समझनी होगी। अब क्या करना पड़ेगा, मैं उस पर आता हूँ कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या टिप्स हैं जो हम फॉलो करें जिससे हम एग्जामिनेशन प्रेशर को हैंडल कर पाएँ और एग्जामिनेशन हॉल में बेस्ट परफॉर्म दे पाएँ। नंबर वन थिंग, कि जो भी एग्जाम सिलेबस है उस सिलेबस को बहुत प्रॉपरली आपको स्टडी करना चाहिए, और जो भी सिलेबस आप कवर करें, नॉट नेसेसरी कि 100% करें, पर जो सिलेबस का पोर्शन कवर करें वो 100% करें। मीन्स मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपने 50% सिलेबस किया, पर वो 50% 100% आना चाहिए, मतलब वो 50% के कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको बने। यानी इनकम्प्लीट नॉलेज इज वेरी डेंजरस। अगर आपको आधा अधूरा आता है वो ज़्यादा खतरनाक है वनस्पति की, नहीं आता है, नहीं आता तो अटेम्प्ट नहीं करोगे, आता है तो करोगे। बीच वाली कंडीशन ऑलवेज डेंजरस होती है और कंफ्यूजिंग स्टेज पे ले जाती है। ये भी कई बार हमारे साथ होता है एग्जाम में। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है किसी के साथ भी, कि हमने आधा इनकम्प्लीट टॉपिक पढ़ा होता है इसलिए हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता।
हमेशा आपसे ये बोला जाता है कि आप कॉन्फिडेंस के साथ काम करो। मैं एक बात हमेशा बोलूंगा, कॉन्फिडेंस इक्वल टू नॉलेज। अगर आप में कॉन्फिडेंस, अगर नॉलेज है तो कॉन्फिडेंस होगा, नॉलेज कम है तो कॉन्फिडेंस नहीं होगा। तो कई बार ये जो प्रॉब्लम्स आती है वो इस वजह से आती है। मैं अगर आपसे बोलूँ कि हाँ कूद जाओ इस पानी में, बहुत गहरा पानी है, अगर आपको तैरना आता होगा तो आप अच्छे से तैर लोगे, नहीं आता होगा आप नहीं कूदोगे। बीच वाली कंडीशन होगी तो ना बाहर रहोगे ना अंदर, आप कन्फ्यूजन की स्टेज में रहोगे। तो सोचिए, मैं कितना भी बोलूँ कॉन्फिडेंस के साथ कूद जाओ, पर अगर तैरना नहीं आता होगा, स्विमिंग नहीं आती होगी, तो कैसे तैरोगे? तो कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता। तो कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू नॉलेज। यानी अगर आपका टॉपिक पे सब्जेक्ट पे कमांड है, तो नॉलेज आपको कमांड है, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ पेपर सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि किसी भी एग्जाम का एक रूल मैंने हमेशा देखा है कि अगर आपको जो आता है वो 100% आता है तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करके आते हो, पर आपको सब आता है पर इनकम्प्लीट आता है, वो कंडीशन सबसे डेंजरस होती है। तो नंबर वन थिंग कि आप हमेशा जो चीज़ें आती है उनको बहुत अच्छे से करें, और जो भी नया टॉपिक स्टार्ट करें उसे ए टू जेड करें, नहीं तो ना करें। इनकम्प्लीट छोड़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कंपेयर टू कि हम ना करें। तो मैं बोलूँगा ना करें, वो चलेगा। कई सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम, फॉर एग्जाम्पल IIT की बात करूँ मैं NDA की बात करूँ, मैं MCA की बात करूँ, मैं कोई भी एग्जाम की बात करूँ, आप देखोगे कट ऑफ 50% से भी कम होता है। इनफैक्ट IIT में कई बार कट ऑफ 25-30% तक होता है। यानी 30% में आप सिलेक्ट हो रहे हैं, नाम में लिस्ट आ रहा है, 50% पे आपको अच्छा कॉलेज मिल रहा है, इसका मतलब 50% छोड़ने वाला बच्चा भी सिलेक्ट हो रहा है। और आप देखो कई बार बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं पूरे साल, और एग्जामिनेशन हॉल में जाके खराब कराते हैं पेपर। क्यों? क्योंकि वो अपने आप से ओवर एक्सपेक्टेशन करने लगते हैं। ये सोच के जाते हैं कि मुझे फर्स्ट रैंक लानी है, मुझे सेकेंड रैंक लानी है, मुझे टॉप करना है, मैंने पिछले 5 साल से स्कूल में टॉप कर रहा हूँ, अब नहीं किया तो क्या होगा। ये सब चीज़ें प्रेशर हमें क्रिएट करती हैं। इन प्रेशर से बाहर निकल जाओ, बहुत नॉलेज के लिए पढ़ो, खुशी खुशी पढ़ो। जैसे 3 Idiots में आपने देखा था आमिर खान ने एक ही मैसेज दिया कि पढ़ो, ज्ञान बट रहा है, जहाँ मिल रहा है वो लो। टॉप करना नहीं करना, ये सब बातों को दिमाग से निकाल दो। अब बात आती है कि आपको अपनी हैबिट्स में क्या चेंज आना चाहिए, नॉलेज कैसे बढ़ेगी। नंबर वन, आपके स्टडीज के पैटर्न को आप थोड़ा सा चेंज करें। नंबर वन, स्टडी के पैटर्न को चेंज करें मतलब आपकी पढ़ाई आप कैसे करते हैं। कई बच्चे लेट नाइट तक स्टडी करते हैं, फिर लेट मॉर्निंग उठते हैं, फिर दिन भर का कोई रूटीन सेट नहीं होता। नो, एक प्रॉपर रूटीन आपका होना चाहिए जो आइडियली आपको रोज फॉलो करना है। नंबर वन थिंग कि अगर आप सपोज मॉर्निंग 6 o'clock उठते हैं तो 6 पे ही उठें। और मैं आपको सबको एक सजेशन दूंगा कि रात सोने के लिए बनिए, जितनी अच्छी रात में नींद कवर होगी उतनी कहीं नहीं, पर आपके सोने के टाइम को थोड़ा सा चेंज कर दें, आपको एकदम से रिजल्ट मिल जाएगा। आप अगर अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो आप 8 बजे सो जाएं, या एटलीस्ट 9 बजे तक सो जाएं, 9 से 3 सो के 3 बजे उठ जाएं। लेट नाइट स्टडी करते हैं तो मैं आपको बोलूँगा 7 o'clock पर बैठ जाएं और 12 o'clock तक पढ़ें। 10 बजे बैठ के 1 बजे तक जागना कोई अकलमंदी नहीं है, 7 बजे से लेकर 12 बजे तक पढ़ाई करें। यानी एक पर्टिकुलर टाइम सोना चाहिए। दूसरा, हर 2 and 2 hours के बाद एक 10 मिनट का ब्रेक लें। ये ब्रेक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम कंप्यूटर पे काम करते हैं और अगर उसको सेव ना करें तो वो काम बेकार है, वैसे ही आप जो स्टडी करते हैं उसको भी सेव करना या स्टोर करना जरूरी है। तो हर 2 घंटे बाद आप बुक्स को बंद करें, जो पिछले 2 घंटे में पढ़ा उसको मेमोराइज करिए, रिवाइज करिए। राइट, अक्सर हम भूलते इसलिए क्योंकि हम रिविजन्स कम करते हैं इसलिए। तो वो एक स्टोर करना है। हर 2 hours के बाद ये एक एक्टिविटी रखें और 5-10 मिनट की वॉक करें। कभी भी पढ़ाई के इमीडिएटली बाद मोबाइल फ़ोन, TV, फ्रेंड से बात, ये सब नहीं करना है, क्योंकि उस समय ब्रेन आपके उन सब्जेक्ट को जो आपने पढ़ा है उसको स्टोर कर रहा है। बहुत अच्छी नींद लें, दिन भर बहुत पानी पिए, पॉसिबल हो तो 15 से 30 मिनट का, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 15 to 30 मिनट की या तो वॉक करें या कोई एक स्पोर्ट, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, कुछ भी जो बेस्ट हो। कुछ नहीं होता तो वॉक करें, बहुत अच्छा है। सुबह एक वॉक करें, मॉर्निंग वॉक, और एक इवनिंग वॉक। इवनिंग में खाने के बाद 10 मिनट की वॉक जरूरी है। क्या होता है कि जब हम मेंटल वर्क कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग का फ्रेश होना भी बहुत जरूरी होता है। एग्जाम जिस दिन है अगले दिन, उसके एक दिन पहले पढ़ाई बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जितना ब्रेन रिलैक्स करेगा आपका उतना अच्छा परफॉर्म करेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो खूब पानी पिए, कम खाएं, हल्का खाएं, बाहर का ना खाएं, ज़्यादा अच्छा होगा। और थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाते रहें, हर 2-3 घंटे बाद कुछ हल्का फुल्का खा लिया, ये एक चीज़ रखें। हर 2 घंटे के बाद ब्रेक लें, जो पढ़ा उसको रिवाइज करें, फिर
रात को जब आप लेटते हैं बिस्तर पे, तो लेटते ही कभी भी नींद नहीं आती, तो दिन भर में जो पढ़ा है उसकी एक समरी बनाएं, अगले दिन उठें ब्रश करते समय नहाते समय जो रात को समरी बनाई थी उसको रिवाइज करें, देन एवरी सैटरडे या संडे को पूरे 2 घंटे ब्लैंक कॉपी में लेके जो मंडे टू सैटरडे पढ़ा उसको नोट डाउन करें। जब आप ये सब करने लगेंगे तो आपके दिमाग में भूलने वाली बात ही नहीं आएगी। एक्चुअली में आप बार बार दिमाग को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, मैं भूल जाता हूँ। नो, आप कभी नहीं भूलते। पास के वो समय को याद करो जब बेस्ट परफॉर्म किया था, उन रिजल्ट को याद करो जब आपने चाहे KG 1 में क्यों ना टॉप किया, उस समय को याद करो, 5th में टॉप किया था, 8th में किया था, उन समय को याद करो, निगेटिव वाले नहीं। जब रिजल्ट बिगड़ा था उस समय को याद करोगे तो आप कहीं ना कहीं पीछे जा रहे हो। यानी कुछ एक पॉजिटिव चीज़ों से आप अपनी बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो, प्रॉब्लम्स को। तो ये एक बात ध्यान रखो कि बिल्कुल इस बात पे वर्क करो, हर सैटरडे को आपका कोई नया नहीं पढ़ना, 3 घंटे 4 घंटे पुराना रिवाइज करो, फिर जितना आपने मंडे टू सैटरडे पढ़ा उससे रिलेटेड एग्जाम्स, उस टॉपिक से रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन आए उनको, सब्जेक्टिव एग्जाम है तो सब्जेक्टिव तरीके से सॉल्व करो, ऑब्जेक्टिव तो ऑब्जेक्टिव। यानी अगर 5 टॉपिक कवर करें, क्योंकि अब लास्ट टाइम में तो इतने ही करोगे, उन 5 टॉपिक की आप क्वेश्चंस को सॉल्व करो जो एग्जाम में आए, आप देखो आपका कैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। दूसरा, जब एग्जामिनेशन सेंटर में हम जाते हैं, अभी क्योंकि आप लोगों को हम एवरी संडे मॉक पेपर भेज रहे हैं, तो आप में से कई लोगों ने मुझे प्रॉब्लम भेजी कि सर पेपर सॉल्व करते तो डर लगता है या गलत हो जाते हैं। मैं आप सबको एक मैसेज देना चाहूंगा, क्योंकि अभी पेपर की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, कभी भी कोई भी पेपर देखो, चाहे मॉक पेपर हो चाहे एक्चुअल पेपर, देख के पहला फील कई बार ऐसा आता रहे नहीं बनता, क्योंकि कई बार स्टार्टिंग में टफ क्वेश्चन दिए जाते हैं एक प्रेशर हैंड बनाने के लिए, क्योंकि कॉम्पिटेटिव लेवल में जितने बच्चे अपेयर होते हैं उसके 10% भी उनको नहीं लेना होता, तो उन्हें रिजेक्ट भी करना है, तो वो एक चीज़ क्रिएट की जाती है आर्टिफिशियल तरीके से, तो आपको उससे बचना है। आपको ये नहीं देखना क्या नहीं आता पेपर आने के बाद, ये पहला फील कई बार आता है, पेपर को आराम से टर्न करिए, शांति से, कूल माइंड से, 5 मिनट स्कैनिंग के लिए दीजिए, एक एक क्वेश्चंस को देखिए और स्कैनिंग करते जाइए, जो मेंटल या सिंपल क्वेश्चन है जो पूरे साल भर में आपने पढ़े, कई क्वेश्चन वही आएंगे, रिपीट होंगे, मेमोरी बेस्ड होंगे, उनको सॉल्व करते हुए चलिए। यानी आपको यहाँ पर बहुत ही रियलिस्टिक और ऑनेस्ट होना पड़ेगा कि 100 क्वेश्चन आए उसमें 10 ही मेंटली बन रहा है, ठीक है 40 बन रहा है, 40 की चिंता करेंगे फिर 60 का सोचेंगे। प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप उन 10, मान लो आपको पेपर देखा आपने, मैं एक हायर साइड ले रहा हूँ, आपने 100 क्वेश्चन का पेपर देखा, आपको लगता है 50 नहीं बनते, पर मैं कह रहा हूँ मैं ये देखूंगा 50 बनते, मेरा फोकस पहले इन 50 पे होगा, क्यों, क्योंकि इन 50 के बाद सोचूंगा ना क्या करना है, हो सकता है 50 इतने टफ हो कि कोई भी ना कर रहा, तो पहले इन 50 की तो चिंता करें। हम अक्सर ये करते हैं कि हम इन 50 को जो नहीं आते हैं, बहुत कॉमन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कई बार हम सोचते हैं ये तो आते हैं बाद में देख लेंगे, पहले जो नहीं बनते उनको एक बार ट्राई कर लेते हैं शायद बन जाए, बट आप भूल जाते हैं कि एग्जाम में क्लॉक भी एक चल रही है, आपके पास टाइम फिक्स है, तो ऐसे में क्या करें, तो ऐसे में वही करें जो आता है, और पढ़ाई करते समय वो पढ़ें जो नहीं आता है। हम करते ही है कि पढ़ते समय हम वो पढ़ते हैं जो आता है उसी को बार बार पढ़ते हैं, और एग्जाम के समय जो नहीं आता उसे बार बार सॉल्व करते हैं, इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। एग्जाम के समय वो करें जो आता है, और नॉर्मल डेज में वो करें जो नहीं आता है उसको पढ़ें, और जो आता है उसको हमेशा कॉपी बंद करके पढ़ें। यानी एक छोटी सी पॉजिटिव टेक्निक्स आपके इंटायर एग्जाम्स को बदल सकती है, यही एक चीज़ करनी है। अभी जब हम आपको पेपर भेज रहे हैं तो एक कॉमन प्रॉब्लम है, कई सारे बच्चे अभी नए जुड़ते जा रहे हैं टेस्ट सीरीज से, कोर्स से, उनके पास एकदम से इतने पेपर आ रहे हैं, उन सबको इसलिए बात करके बोलता हूँ कि अभी आपको जो पेपर बनता है वो करो, बाद में करना, प्रेशर मत लो, प्रेशर कभी भी आपको एक अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकता। याद रखिएगा, जिस भी चीज़ में, जिस भी प्लेस पर, इवन आप रोड पे प्रेशर में गाड़ी चलाएंगे, बहुत पॉसिबिलिटी कि आपका कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, इसलिए रिलैक्स माइंड से करिए। पढ़ाई के लिए भी यही रूल होता है कि ऑलवेज रिलैक्स रह के पढ़ाई करिए, जो आता है उस पर पॉजिटिव माइंड से फोकस करिए। तो अब आप कुछ एक रूटीन डाल लीजिए, 1, आप अपना रूटीन सेट करें, एक प्रॉपर 6 to 7 hours की स्लीप लें रात में, और दिन में 15 मिनट की एक शॉर्ट नींद लें, ये बहुत हेल्प करेगी, 1। 2, टाइमिंग सोने का बहुत रात को ही रखें, अच्छा रहेगा। लेट नाइट पढ़ते हैं तो 8-7 बजे से पढ़ें 12 बजे तक, अर्ली मॉर्निंग पढ़ते हैं तो 3 बजे उठ जाएं, 8 बजे सो के 6 घंटे की नींद होती है। 3, खूब पानी पिएं, हल्का फुल्का खाएं, बाहर का बिल्कुल ना खाएं। 4, रोज एक्सरसाइज करें। 5, एवरी डे सोने से पहले जितना पढ़ा उसको रिवाइज करें। 6, एवरी वीकेंड पे जो कुछ वीक पे पढ़ा है उसको रिवाइज करें। 7, उसके बाद जो आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड टॉपिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करें, जो एग्जाम में पूछे गए उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। 8, मॉक पेपर्स और एक्चुअल पेपर्स का नेचर के अकॉर्डिंग पढ़ाई करें। 9, सिलेबस से इधर उधर ना जाएं। 10, जितना सिलेबस कवर किया है उसका प्रॉपर रिविजन करें, और फिर जो बचा हुआ उसकी चिंता करें। ऐसे कुछ बेसिक टेक्निक्स को आप यूज करेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छे से किसी भी एग्जाम के स्ट्रेस को बिल्कुल बीट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।